हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद दिस कुकिंग ब्लॉग्स विद छा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रही है शाम, आफ्टरनून तक का ब्लॉग होने वाली है, शाम हुई नहीं है। हाँ, क्योंकि आज मौसम बारिश का हो गया है और घटा लग गई है, तो शाम लग रहा है मगर हुई नहीं है। अभी सिर्फ 5 बजे हैं। 5 बजे शाम ही होती है मम्मी, रात नहीं होती, ना ही दोपहर होती है, शाम हो जाती है। और कुछ ज्यादा ही अंधेरा लग रहा है क्योंकि ये देखो आप सभी, बिल्कुल ही बारिश हो गई है। बारिश हो रही है और अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। ये देखिए, मैं पता नहीं क्या ही बना रही हूँ, बता नहीं रही, पर देखते हैं क्या बना रही हैं। ये देखिए, जब तक मम्मी ये बना रही हैं तब तक मैं दिखाती हूँ कौन कौन क्या क्या कर रही है। तो झाजी यहाँ पे लेते हुए, हेलो झाजी, कैसे हैं आप? कुकिंग ब्लॉग्स वाले व्यूअर्स को भी हेलो बोल दो जी। और अभी क्या कर रहे हैं आप? बस ऐसी देख रहा था। देख रहे थे, आज फास्ट में है ना जाजी? क्यों करते हो आप ये फास्ट? ये सारा इन्होंने निराक्षी ब्लॉग्स पे बताया है, तो वो जो ब्लॉगिंग है वो भी ज़रूर चेकअप करें और इसको देखें। इसको हम कहीं नहीं दिखा सकते। क्या हुआ? क्या हुआ, क्या कर रहे हो? As usual, खेल रहा हूँ। देखो मैं दिख रही हूँ, हेलो, और ये दिख रहा है क्या कहते हैं स्क्रीन। ऐसा क्या हो रहा है गोलू? चलिए कोई नहीं, यहाँ अभी मम्मी लेटी हुई थी और चलते हैं। जाजी भी यहाँ लेटे हुए हैं आराम से। मम्मी तो पता नहीं कौन सी डिश बना रही हैं। वो पता नहीं क्या ही बनेगा। फिश नहीं बना रहे हैं, इसमें क्या बीटरूट भी डाल दिया गया? शेक बना रहे हैं। है मम्मी, हमें नहीं पता क्या क्या डाला है। नहीं, बीटरूट मैं नहीं पी रही हूँ ये बिल्कुल भी। बनाना वाला शेक मैं कहती हूँ ना, अच्छा लगता है मुझे। अगर ये अच्छा नहीं लगे तो मत पीना। देख रहे हैं सभी, देख रहे हैं। थोड़ा सा पी के देखो, पहले पी के देखो ना, नहीं अच्छा लगे तो मत पी। मेरी कसम शेक पी ले मुन्नो, तुझे मेरी कसम। इतनी गंदी है ये। मेरे पीछे बैठ जाती है। कैसे बोला, कैसे बोला आपने? उसे कुछ खिला पाई आज तक? उसने छोड़ दिया तो उसे कुछ नहीं कहा। कोई नहीं, जय श्री राम, कोई बात नहीं, उसको भी खिला सकती हूँ कसम देके, पता है ना। बेटा इसके लिए देखना, सुबह दोनों को दूंगी, झाजी को भी गोलू को। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है कलर देखो आप। बना रहे थे आप तो, मैंने क्या कहा था? आपने कहा था अगर कुछ बना रही होगी तो मैं नहीं पीऊंगी। बहुत पागल बनाती है लड़की। ऐसे ऐसे रखो, फोटो खींचूंगी, एक फोटो खींचूंगी, ऐसे रखो ना, एक फोटो खींचूंगी। कोई नहीं, मैं साफ करूंगी। बहुत नखरीली लड़की है ये, देख सकते हो। झाजी भी मतलब बोल के थक के मतलब बैठ गए, चले गए, चले गए यहाँ से। चलो अंदर से जो शैतान है वो निकालो। मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना है? नहीं तो ले चलेंगे वहाँ पे आपको। मैं बनाना वाला पी रही हूँ, बनाना और सब खजूर और कुछ भी डाल। अगर ये आपने ऑन कैमरा बता दिया, सच्ची वाला बता दिया, तो उसमें डाला आप एक बार पी के तो आप देखो। अच्छा समझती हूँ, मैं पी लूंगी। कसम दे रखी है बेटा, मैंने ये कर रखी थी। बहुत गंदा गंदा शेक है। अच्छा आप ऑन कैमरा पी के दिखाओ ना, अगर स्वाद अच्छा नहीं होगा तो बता देना। जल्दी से पियो, बहुत लंबा हो जाएगा ये। पॉज कर दो। नहीं पहले मीठा पुलाव बनाना आता है आपको? कैसे बनता है वो? मेरी रेसिपी होगी फिर। तेल घी में, घी में साबुदाना को फ्राई कर लो। और फिर उसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दो। और खांड डाल दो, नहीं तो चीनी डाल दो। ठीक है, खांड डाल दो, चीनी पिघलेगा।
और फिर उसको मिक्स कर दो मिक्स कर दो मिक्स कर दो, जब पक जाए साबुदाना तो मीठा पुलाव थोड़ा सा बन जाएगा। नहीं पुलाव बनेगा, खाया है सूखा सूखा वाला बनाना बहुत ज्यादा अच्छा था, तो वो बना के देखते तो पुलाव नहीं होगा वो होगा थोड़ा स्टिकी स्टिकी भी था वो खिचड़ी होती है, मीठा थोड़ा ना होगा वो, मीठा था। अच्छा बेटा बातों को ना वो मत करो डाइवर्ट, ये यहाँ पे आ जाओ झाजी, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। झाजी भी कह रहे पी लो, झाजी कह रहे उसमें से क्वार्टर पी के देख लो। अच्छा आपको मैं कुछ ऐसा नहीं देना, आप भी नहीं पीते, आप मुझे देख के देखना वेजिटेबल है बीच में उसको दूध में प्यार से देख के देखना, मैं तो जहर पी जाऊंगी, ला के दे दो। ये ना बहुत हिंदी फिल्म में देखती है भाई। पापा का डायलॉग सीख लिया आपने, पी ना लड़की, कितना लंबा वीडियो कर देगी। बहुत कर दो। नहीं करूंगी, सच में कर दो, जब पीने लगूंगी तो। ये देखिए यहाँ पे शुरू हो चुका है काची का पारण, पारण नहीं नहीं क्या कहते हैं शाम के खाने को, फलाहार, सुबह होता है पारण तो है ना, फलाहार शुरू हो चुका है, तो फलाहार में हम खाएंगे आलू। फलाहार शुरू हो गया, मतलब बनना शुरू हुआ। अरे मैं समझ जाओ ना मम्मी, बनना शुरू हुआ। यहाँ पे भुजिया मम्मी बहुत मोटे मोटे काट रही हूँ, क्यों कहाँ है मोटा, बहुत मोटा है, फ्राई होगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं उनको बहुत पतला, प्लान चेंज कर दिया, छोटे छोटे आलू उतना गोलू को खिलाएंगे, छोटे छोटे आलू के भुजिया झाजी के लिए काट रही है। दूसरा लाती हूँ छांट के, आपको भी नहीं पता चलेगा। अच्छा अलग होता है, ओह साबुदाना सोख कर रखा है मम्मी ने, अब बनाएंगी मम्मी साबुदाने की खीर। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको प्रेस करके देख लेते ना ऐसे, तो ये पूरा हो रहा है, हल्का सा बीच में गांठ है, कोई नहीं घी में ये भूनते भूनते अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ मोर्चा संभाला है दीदी ने आज, मैं ही मोर्चा वोर्चा कुछ नहीं संभाला है, बस मैंने खाया साबुदाने की खीर, मैं बनाऊंगी, और मैंने कभी मेरे हाथ की खीर खाई नहीं है। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लीजिए जिसमें आप व्रत का बनाते हैं, और उसको गर्म कर लीजिए और उसमें घी डाल लीजिए। घी डालने के बाद साबुदाना जो आपने सोख कर रखा है करीब दो घंटे से, उसको डाल लीजिए। साबुदाना सोख हो जाता है तो एक पहचान है, ऐसे दबाएंगे पूरा ही दब जाता है ना, और इसको खूब भूनिए, फ्राई करिए, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओह जैसा कि आप सभी देख सकते हो भूनते भूनते में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और अपने आप ही कढ़ाई और घी सारा अलग हो जाएगा और एक एक दाना दाना अलग हो जाता है। ये तो इकट्ठा हो गया है क्योंकि मैंने गैस कम कर दिया है, अब मैं डालूंगी इसमें दूध। और कोई नीचे आ गया था, जब तक नीचे से देखो ऊपर आई हूँ, ये बन के भी रेडी हो गया। और दीदी ने आपके रिकॉर्ड भी किया है क्यों ना, बन चुका है, इसमें मैं अब दूध डालूंगी, तो दूध डालने के बाद ये उबल चुका है, इलायची अब डाल देती हूँ। ठीक है, इसमें अदरक डालूंगा। खीर तो ऑलमोस्ट रेडी है, कम पे चढ़ा दी है, इसके बाद भून गया है, हाँ ये देखा हाँ, और ये भून गया मखाने, मम्मी निकाल लेंगी मखाने और भुजिया बनाएंगे इसके बाद। दोनों जगह मैंने कढ़ाई चढ़ा के और भुजिया बनाया क्योंकि एक जो व्रत वाले हैं महाशय जी खाएंगे पतली पतली भुजिया और एक महाशय जी खाएंगे मोटी मोटी, दोनों नहीं दोनों महाशय दोनों महाशय दोनों व्रत करते हैं हम सब कुछ लिए थे। हाँ और यहाँ पे खीर निकल चुकी है, यहाँ पे मोटी वाली और छोटी वाली दोनों भुजिया, मोटी और पतली, मोटी पतली भुजिया बन के रेडी है और चले हैं बंदर। ये आपको और कुछ काम करना है तो कर लो, थोड़ा सी रोटी नहीं, अब मैंने भी हेल्प कराई है, बताओ मैंने भी हेल्प कराई है, कुछ आपने किया ओ हेल्प कराई है बस। अच्छा सब कुछ कर रहे हो तब से, तो इधर उधर खीर आपने बनाई है ये देखो, चलिए भुजिया भी बनी गई बस, बस क्रंची क्रंची से थोड़ा सा और यहाँ पे बन चुकी है फास्ट की थाली, देखो कितने सुंदर से मम्मी ने प्रिपेयर किया है और टिश्यू रख रख के ताकि नुकसान ना करे,
है ना, गोलू भैया और झाजी दोनों आ जाइए, अपना अपना काम छोड़ के। हाँ जी, दोनों पहले फलाहार कर लीजिए। झाजी के घर की स्लीपर्स साइड कर। कितना ज्यादा गंदा है ना ये मम्मी। मारो उसे, एक एक चांटा लगाओ तब मुझे नींद आएगी। बहुत अच्छे, गुड। रात के पूरी रात पढ़ाता है। चल बाय बाय, गुड नाइट। गाल इसने मेरे दर्द कर दिए खींच खींच के। नहीं लिया ना, कल लूंगी। हाय राम, ऑन कैमरा मार दिया मम्मी। नीचे बंद करने कौन आएगा? सबसे पहले इसी डालना मम्मी। टहलने टहलने और मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी है। हाँ, मैंने कहा था मुझे खानी है। वाह, बहुत अच्छी।